भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपरा को समृद्ध बनाने में 10.5 करोड़ की आबादी वाले हमारे जनजातीय समुदायों की भूमिका अहम है। आदिवासी भाई बहनों का सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 10 वर्षों में अथक अनवरत प्रयास किए हैं। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हो या 10 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का निर्णय, छात्रवृत्ति में वृद्धि हो या एकलव्य स्कूलों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन से जुड़ा अभियान हो या घुमंतू समुदायों के लिए देश में पहली बार विकास कल्याण बोर्ड का गठन, MSP के तहत शामिल छोटे वन उत्पादों की संख्या और मूल्य में वृद्धि हो या मिशन वन धन से लाखों लोगों को उद्यमी बनाने का कदम, जनजातीय कल्याण के लिए बजट में रिकॉर्ड वृद्धि हो या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन, आदिवासी भाई बहनों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प अटूट है, उनकी सोच स्पष्ट है कि विकसित भारत बनाने का सपना जनजातीय समाज के विकास के बगैर असंभव है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से PM जनमन के तहत योजनाओं के सैचुरेशन के मोदी जी के विजन को मिशन मोड में लागू किया गया। सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही PM जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। कन्वर्जेंस और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ केवल 9 महीनों में 33,000 से अधिक घरों का निर्माण, 75,000 से अधिक घरों में बिजली और 5,000 से ज्यादा गांवों में पीने का साफ पानी अभियान के तहत सफलता से पहुंचाया जा चुका है। PM जनमन अभियान के सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाते हुए आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 79,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,000 गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। 17 मंत्रालयों की 25 योजनाएं एक साथ हर गांव हर घर तक पहुंचाई जाएंगी। हर परिवार को पक्का घर, नल से जल, बिजली, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पक्की सड़क, स्कूल, हॉस्टल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनवाड़ी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। 24 लाख पट्टा धारकों को खेती, मछली पालन और पशुपालन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। जनजातीय समाज को शिक्षित बनाने के लिए 40 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन और 25 विद्यालयों की आधारशिला भी आज रखी जा रही है, जिससे 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मोदी 3.0 में जब विकास की रफ्तार है 3 गुना, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों तक समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास भी पहुंचेगा तेज गति से, और विकसित भारत के निर्माण की बुनियाद होगी और सशक्त।